नमस्कार, मैं अमगे सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बुरी खबर निकल के आ रही है कि म्यागडीक में भू संकलन से घर गिरने से 2 लोगों ने दम तोड़ दिया है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जिले के मलाइका ग्रामीण नगर पालिका 2 के रम में मंगलवार सुबह भू संकलन से एक मकान क्षतिग्रस्त हो जाने से 2 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया और 3 अन्य लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि नेपाल के अंदर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया और नेपाल को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। भू संकलन से नष्ट होने के बाद मलबे में 2 लोग दबे हुए पाए गए हैं। इसी तरह घटना में गोटे और उनकी पत्नी घायल हो चुके हैं। भू संकलन में लापता लोगों में गम बहादुर, उनकी पत्नी राम माया और बेटी रोजी बी के भी शामिल बताई जा रही है। लोगों ने लापता लोगों की तलाश जारी रखी है। मलिका ग्रामीण नगर पालिका के अध्यक्ष बेग प्रसाद गर्बुजा ने बताया कि अधिक जानकारी और बचाव कार्य के लिए जनप्रतिनिधि और सुरक्षा कर्मी घटना स्थल की ओर जा रहे हैं। मलाइका ग्रामीण नगर पालिका के केंद्र दरबांग से साइट तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगने वाले हैं और नेपाली सेना ने फिर से अपनी जान पर खेल कर नेपाली लोगों की जान बचाई है और नेपाली सेना हर मुश्किल घड़ी में नेपाली लोगों की मदद करती रहती है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो सर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।